वो खराब है भाई, परफॉर्म करो नहीं मैं इसका फैन हूँ, बढ़िया करता है। इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होता है सैक्सोफोन, वो क्या बार बार सैक्सोफोन बोल रहा है तो प्लेयर होता है। जमालपुर के लोग थे तो फुल डांस कर रहे होते हैं नागिन और बैकग्राउंड में एक बीजीएम चल रहा होता है। उसके बाद मैं घर आ जाता हूँ तो घर पे देखता हूँ इत्तेफाकन लाइट नहीं है, तो मैं जनरेटर ऑन करने बाहर आता हूँ तो उसमें कैरोसिन होता नहीं है, मैं कैरोसिन डालता हूँ फिर कैरोसिन वो जनरेटर स्टार्ट होता है। फिर मैं अंदर आता हूँ तो मेरा छोटा भाई है वो शोले मूवी देख रहा होता है, उसमें अमिताभ बच्चन जया बच्चन को देख रहे हैं, जया बच्चन अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं और रोमांटिक सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आई कॉन्टेक्ट हो रहा है खतरनाक वाला और बैकग्राउंड में हारमोनिका प्ले हो रही होती है। फिर बाहर की तरफ जाता हूँ तो उत्तफाकन मेरे घर के पास आईटीआई है तो वहाँ पे एक हेलीपैड बनना है, तो किसी नेता का मतलब हेलीकॉप्टर मेरे छत के ऊपर से गुजरता है तो हाउ इट साउंड्स लाइक, दूर से करीब के आकर फिर दूर चला जाता है तो उसकी आवाज फिर जब उन पहुंच जाते हैं तो उनके लिए स्वागत के लिए भाई मतलब दिवाली के पटाखे वटाखे चलाते हैं तो उसमें एक दिवाली का रॉकेट में बंदा आग लगाता है। फिर मैं अंदर आता हूँ तो मेरे छोटे मामू के मतलब बच्चे बच्चे हैं तो कजन ब्रदर्स तो वो कार्टून देख रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है, आइए देखते हैं क्या आज आओगे अपना एग्जाम निकाल पाएगा, और इत्तेफाक से होगी जो होता है फेल हो जाता है। ओए ओए मुन्ना क्या हो गया भाई, तू तो फेल हो गया, लाशें बिठा दूंगा लाशें। जब चैनल चेंज करते हैं तो दूसरे चैनल के अंदर शिनचैन आ रहा होता है तो बोलते हैं तुम तो बड़ी ही टेढ़ी हो, मैम मैम इससे मेरी सेटिंग कराओ ना। फिर दूसरे चैनल पर मोटू पतलू आ रहा होता है तो सोता है खुशबू बिना खान मेरे दिमाग के बनती रही जल्दी। तो चिंगम सर बोलते हैं मैं नाम है चिंगम सर, बोले तो ये इम्पॉसिबल। हाँ ना बाबा कौन कह रहा है ना बाबा, ये समोसा तो मैं खाऊंगा जी। तुम कभी ओ यार मेरे दोस्त मेरे इतना एक बार सैंडविच के अलग ही दस लो यार ये समोसा मैंने खाने दे, तो तभी सबका जो फेवरेट है वो जॉन वो आया था जॉन मनी का डॉन जॉन मनी का डॉन देन। उसके बाद मैं रात हुई तो मैं एग्जीबिशन की तरफ जाता हूँ तो एग्जीबिशन में मौतक वो है ना तो वहाँ पे सबसे ऊपर गाड़ियाँ मतलब गुजर रही होती है तो कैसे साउंड करती है और फिर वहाँ पे एक डांस वांस का एक नाम नहीं बताऊंगा उसका, वहाँ पे डांस वांस चलता रहता है बहुत बढ़िया। उसमें से बोलते आपके आपके लिए लिए मोहतरमा महफूज रोनी परफॉर्म करेंगी, तो वो एक डांस को परफॉर्म कर रही होती है गानों पर, तो वो गाना होता है अंदर आना तो स्पॉटिफाई खोलता हूँ तो उस पर सजेशन में काफ़ी गाने आ रहे होते हैं तो उसमें सबसे ऊपर जो पहला गाना आता है वो मोहम्मद रफ़ी साहब का और आता है। देन उसके बाद आजकल बहुत ट्रेंडिंग में बी प्रकाश साहब का गाना हो बदला बदला ने मी पर
सोचता हूँ मूवी भी देख लेता हूँ, तो एक स्कैरी सी मूवी आ रही होती है, तो उसमें जो हीरोइन होती है अक्सर वो खूबसूरत ही होती है, तो जो हीरो होता है वो पिघल जाता है, और उसका पीछा करते करते एक जंगल में चला गया। अब जंगल में चला गया क्योंकि वो हॉरर कैरेक्टर उधर गायब हो गया, तो सामने एक होटल दिखता है पुराने जमाने का, उसका नाम होता है शेरू का होटल, तो उसके अंदर वो एंटर करता है, गेट खोलता है, फिर जब वो एंटर करता है तो सस्पेंस का सिनेरियो होता है, बैकग्राउंड में एक मतलब स्कैरी सा म्यूजिक चल रहा होता है, और एक गुल्फ की आवाज आती है, फिर जो गेट है बड़ा वाला लकड़ी का गेट होता है अक्सर हवेलियों में, तो वो खोलता है और सामने पंडित जी शंख प्ले करते हैं, और जो हॉरर कैरेक्टर उसकी पायल की आवाज आती है, और वो बैकग्राउंड में एक मतलब हॉरर कैरेक्टर वो गाना गा रहा होता है, वो क्या होता है मेरी फिर बस थैंक यू।